नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल सुनीस किचन में। आज हम बनाने वाले हैं पालक पूरी। उसके लिए मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है, काट लिया, उसे धो लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी को गर्म कर लिया है और जो हमने साफ करके धो के रखी हुई थी पालक वो मैं इसमें डाल लूंगी। इसे हमें 2 मिनट तक उबाल लेना है। आप देख सकते हैं इसे हमें सिर्फ 2 मिनट ही उबालना है ताकि ये थोड़ी सी नर्म हो जाए। ज्यादा उबालना नहीं है हमें इसे। 2 मिनट तक इसे उबाल लेंगे हम ताकि अच्छे से नर्म हो जाए। इसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी एक छलनी में ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसे पीस लेंगे, जैसे हम पालक पनीर के लिए इसे पीस लेते हैं वैसे पीस लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। 1/2 कप हमें चने की दाल का आटा ले लेना है, यानी कि बेसन लेना है। अब हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे इसमें। यहाँ पर 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ली है मैंने, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे हम यहाँ पर, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची की पेस्ट डाल ली है। अब 3 चम्मच हम इसमें तेल डाल लेंगे ताकि पूरी हमारी अच्छे से नरम हो जाए। 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सारे मसालों को आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पालक की पेस्ट करके रखी हुई थी, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया था थोड़ा सा ठंडा होने पर। अब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम आटे में डालेंगे और अच्छे से आटे को गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए पहले मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। धीरे धीरे करते हुए हमें पालक की पेस्ट डालनी है, एक साथ नहीं डालनी है, नहीं तो हमारा आटा नरम हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा उसकी वजह से। धीरे धीरे करते हुए मैं यहाँ पर पालक की पेस्ट ऐड कर लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी यहाँ पर। देखिए सारी पालक की पेस्ट मैंने डाल ली है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया। आप देख सकते हैं टाइट डो हमें गूंदना है। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि मसाले अच्छे से नरम हो जाए। देखिए अब मैं इसे ढककर रख दूंगी 10 मिनट के बाद। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब हमें इसे अच्छे से नरम कर लेना है। देखिए टाइट डो है तो मैं इसे थोड़ा सा नरम कर लूंगी पहले। देखिए अब इसका छोटा सा बॉल निकालकर अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे पूरी के लिए, जैसे हम बनाते हैं वैसे। देखिए मैं इसे कट कर लूंगी। जितने साइज के आपको बनाने हैं आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने मीडियम साइज के रखे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे गोले बना लेंगे हम धीरे धीरे करते हुए। अब मैं पूरी बेल लूंगी यहाँ पर। देखिए धीरे धीरे करते हुए हमें पूरी बेल लेनी है। देखिए आप देख सकते हैं अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से, हल्के से ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये हमारी पालक पूरी बनकर हो गई है तैयार। देखिए कितनी फूली फूली बनी है पूरी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।